नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूं बच्चों आज की पाठशाला में हम हासिल का जोड़ के सवाल जोड़ के सवाल सीखेंगे जोड़ के सवाल तो आप सभी बच्चों को आते हैं लेकिन बच्चों आप लोग हासिल लगाने में गलती कर देते हो तो आज मैं आपको जो समझाऊंगी ना उसके बाद आप लोग कभी भी हासिल का जब जोड़ का सवाल करोगे तो आप वो गलती नहीं करोगे ठीक है बच्चों तो चलो हम अपना सवाल शुरू करते हैं तो बच्चों सबसे पहले तो ये जो निशान है ये जोड़ का निशान होता है ठीक है अब ये कितना है बच्चों सिक्स सिक्स के नीचे कितना है सेवन हमें सिक्स में सेवन को जोड़ना है प्लस करना है ये सिक्स है तो हम सिक्स लाइन खींचेंगे बच्चों वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स के नीचे कितना है सेवन सेवन लाइन और खींचेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब हम इन सब को मिलाकर एक साथ गिनेंगे ठीक है तो चलो गिनते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरा छ में हम सात जोड़ेंगे तो आएगा तेरह थर्टीन तेरह ऐसे लिखते हैं है ना? तो तेरह का हम यहाँ पे तीन लिखेंगे थ्री लिखेंगे और जो ये वन बचेगा इसको हम हाथ से लगा लेंगे ऐसे ठीक है हाथ से लगा के बच्चों आप सर्कल कर दो ताकि आपको याद रहे कि हमें एक हासिल जोड़ना है अभी ये कितना है बच्चों? फोर वन टू थ्री फोर फोर को हम हिंदी में चार भी कहते हैं फोर के नीचे कितना है टू तो हम टू लाइन और खींचेंगे वन टू अब सबको काउंट करो गिनो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सब बच्चे क्या करते हैं फोर में टू काउंट करते हैं तो सिक्स हो जाता है और यहाँ पे सिक्स लिख देते हैं तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों की सवाल गलत हो जाता है चार में दो जोड़ दोगे तो छे हो जाएगा लेकिन ये हासिल भी हमें लगाना है है ना तो अभी हमने चार में दो जोड़ दिया तो छ हो गया अब छे में एक हासिल जोड़ देंगे तो आ जाएगा सात सेवन आप बच्चे क्या करते हो ये हासिल नहीं लगाते हो और चार और दो छे ले देते हो तो यहाँ पर आपका सवाल गलत हो जाता है आपको ऐसी गलती नहीं करना है बच्चों अगला सवाल देखते हैं ये कितना है नाइन तो हम नाइन लाइन खींचेंगे आप सर्कल भी बना सकते हो बच्चों वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन के नीचे कितना है सिक्स अभी हम सिक्स लाइन और खींचेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब हम इन सब को एक साथ जोड़ेंगे मिलाने की क्रिया को हम जोड़ कहते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह कितना हो गया पंद्रह तो पंद्रह का हम यहाँ पे पाँच लिखेंगे ठीक है और जो एक बचेगा उसे हम यहाँ पे हासिल लगा देंगे अब ये कितना है आठ तो हम आठ लाइन खींचेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ के नीचे फिर कितना है फिर से आठ है हम आठ लाइन और खींचेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ अब हम इन सबको मिलाएंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह कैसे लिखते है बच्चो वन और सिक्स एक और छे. अभी हम आठ और आठ को हमने जोड़ दिया तो सोलह आ गया ठीक है तो आप बच्चे क्या करते हो यहाँ पे सोलह लिख देते हो यहां पर आपका सवाल गलत हो जाता है क्योंकि आपने एक हासिल तो जोड़ा ही नहीं है तो सोलह में हम एक हासिल जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा सत्रह तो हम यहां पे लिख देंगे सत्रह ठीक है आप कहाँ गलती करते हो बच्चों वो सब मैं आपको बता रही हूं ताकि आप वो गलती फिर से ना करो अब ये कितना है तीन एक दो तीन तीन के नीचे कितना है नौ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दिखाई दिया अब अब हम क्या करेंगे इन सबको जोड़ देंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह नौ में हमने तीन को जोड़ा तो आ गया बारह बच्चों आप लाइन खींच कर भी जोड़ सकते हो नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो जो बड़ी संख्या हो इन दोनों में जो बड़ी संख्या हो उसमें छोटी संख्या को जोड़ दो अभी यहां पे बड़ी संख्या ये नौ है छोटी संख्या तीन है तो हमें नौ के आगे तीन और गिनना पड़ेगा तो नौ के आगे तीन गिनो दस ग्यारह बारह आगे ना बारा आप ऐसे भी कर सकते हो ठीक है तो बारह आया तो बारह का हम दो लिखेंगे और जो ये एक बचेगा इसे हम हासिल लगा देंगे अब ये कितना है छ तो हम छ लाइन खींचेंगे एक दो तीन चार पांच छ अब छ के नीचे फिर से छ है तो हम छ लाइन और खींचेंगे एक दो तीन चार पांच ठीक है अब गिनो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह छ बारह में एक हासिल भी जोड़ना है बारह में एक जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा तेरा एक दस और तीन तेरा ठीक है चलो अगला सवाल करते हैं ये कितना है बच्चों सात हम सात लाइन खींचेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात बच्चों लाइन आप ना गिन गिन के खींचो ताकि आपसे गलती ना हो बच्चे क्या करते फटाफट बोलते हैं और लाइन कम खींचते हैं अगर आप लाइन भी सही नहीं खींचोगे तो भी आपकी गलती हो जाएगी तो आप लाइन खींचते समय पढ़ पढ़ कर खींचिए जैसे मैं एक बोल के लाइन खींच रही हूँ ना वैसे ही अभी ये सात है तो हमने सात लाइन खींच दिया अब सात के नीचे आठ है तो हम आठ लाइन और खींचेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ अब इन सबको हमें मिलाना है सबको हमें एक साथ गिनना है तो चलो बच्चों हम गिनेंगे आप लोग भी मेरे साथ गिनिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह कितना हो गया पंद्रह दस और पांच पंद्रह तो पंद्रह का ये जो पांच है वो हम इधर लिखेंगे ठीक है और जो एक है उसे हम हासी लगा देंगे अब ये कितना है आठ तो हम आठ लाइन खींचेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ के नीचे कितना है दो तो दो लाइन और खींच देंगे एक दो अब चलो गिनो बच्चों एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस आठ में हम दो जोड़ेंगे तो दस हो जाएगा और एक हासिल है दस में एक हासिल जोड़ देंगे तो ग्यारह ठीक है आगे देखो बच्चों ये कितना है तीन एक दो तीन तीन के नीचे कितना है बच्चों आठ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ अब हम क्या करेंगे इन सबको मिलाकर गिनेंगे तो चलो हम गिनते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह तो ग्यारह का हम एक यहाँ पे लिखेंगे और ये जो एक है इसको हम हाथ से लगा देंगे ठीक है अब ये कितना है नौ तो हम नौ लाइन खींचेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ नौ के नीचे कितना है दो दो लाइन और खींचेंगे एक दो अब हम इन सबको मिलाकर गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह कितना हो गया नौ में हम दो जोड़ेंगे तो ग्यारह और एक ये हासिल भी हमें जोड़ना है ग्यारह में एक हासिल जोड़ देंगे तो उत्तर आएगा बारह हम यहाँ पर बारह लिख देंगे ठीक है अब आगे का सवाल देखते हैं ये है नौ तो नौ लाइन खींचेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ के नीचे कितना है बच्चों सात तो हम सात लाइन और खींचेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात अब हम सबको मिलाकर गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह उत्तर कितना आ गया सोलह नौ में हम सात जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा सोलह सोलह का छ हम यहां पे लिखेंगे जो एक बच जाएगा उसे हम हाथ से लगा देंगे ठीक है अब ये कितना है आठ तो हम आठ लाइन खींचेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात के नीचे कितना है दो तो हम दो लाइन और खींचेंगे एक दो अब सबको मिला के गिनो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ठीक है दस में एक हासिल जोड़ देंगे ग्यारह तो हमारा उत्तर यहाँ पे आ गया ग्यारह ठीक है बच्चों तो बच्चों हमने आज की पाठशाला में हासिल के सवाल सीखे हैं दो अंकों के कितने अंकों के आज हमने हासिल का सवाल सीखा है बच्चों दो अंकों के अगली पाठशाला में हम तीन अंकों के हासिल के जोड़ के सवाल करना सीखेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और जो घंटी का चित्र है ना उसे ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालू वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको ठीक है बच्चों और जो मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ओके तो बच्चों अगली पाठशाला में हम तीन अंकों के जोड़ के सवाल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी ठीक है अब आप मैं आपसे विदा लेती हूँ अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय बच्चों